परमाणु सोलन फोर लेन का कार्य सितंबर 2015 में आरंभ हुआ था, जिसके करीब ढाई वर्षों में इसे पूरा किया जाना था, लेकिन इस निर्माण के कार्य को करते हुए करीब चार वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक फोर लेन निर्माण नहीं हो पाया है। निर्माण में जुटी कंपनी सरकार से समय अवधि को लगातार बढ़ाने में लगी है। निर्माण कार्य में हो रही देरी के कारण जहां एक ओर पर्यटन को भारी नुकसान पहुंच रहा है, तो वहीं आसपास रह रहे लोगों का जीना भी नरक हो गया है। लगातार उड़ती मिट्टी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए निर्माण में जुड़ी कंपनी को फोर लेन के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है। यही कारण है कि अब कार्य में तेजी देखी जा रही है और कंपनी का दावा है कि वे जल्द इसे पूरा कर देंगे। इस बारे में पर्यटकों ने कहा कि वे फोर लेन कार्य से बेहद खुश हैं, लेकिन इस कार्य में बेहद देरी देखी जा रही है, जिसे जल्द पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे पहले मसूरी जाना पसंद करते थे, लेकिन अब ये रोड मार्च तक बन जाता है तो शिमला उनकी पहली पसंद होगी, क्योंकि फोर लेन निर्माण से दिल्ली से शिमला की दूरी बहुत कम हो जाएगी और जिसके चलते समय भी कम लगेगा और यात्रा भी सुरक्षित होगी। देखिए, इस परमाणु सोलन में लगभग फोर लेन के लिए हमने लगभग 90% के आसपास जो है भूमि ऑलरेडी एक्वायर करके हैंडओवर करवा दी है। कुछ इश्यूज की वजह से मैटर पेंडिंग है, जो कि लगभग इस महीने के अंत तक वो भी पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करवा के लैंड जो है इनके पास हैंडओवर करा दी जा सकेगी, ताकि जो इनका टारगेट है 31 मार्च का, कि वहाँ पे जो है ये कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट को, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाया जा सके। देखिए, ये मामला न्यायालय में भी चल रहा है, उसमें अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन कुछ इश्यूज जो हैं वो काला और NH की तरफ से पेंडिंग है, जिसको हम प्रयास कर रहे हैं कि लगभग 10-15 दिनों के बीच में उसको सॉल्व कर सकें, और ताकि 100% लैंड जो है इनके हैंडओवर करवाई जा सके, ताकि प्रोजेक्ट जो है डेडलाइन जो 31 मार्च की, सभी प्रयास कर रहे हैं कि कंप्लीट हो जाए प्रोजेक्ट को। विश की ये कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च तक। वहीं स्थानीय लोगों ने ऐतराज जताते हुए कहा कि फोर लेन निर्माण में जुटी कंपनी ने पहाड़ों को सीधा काटा है, जिसकी वजह से जहां एक ओर पहाड़ी सौंदर्य कम हुआ है और यात्रा में जोखिम भी बढ़ गया है। इस निर्माण कार्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कंपनी को यह कार्य सौंपा गया है, उसे पहाड़ी क्षेत्र का जरा भी अनुभव नहीं था। वहीं इस बारे में SDM रोहित राठौर ने बताया कि इस 90% जमीन कंपनी को फोर लेन कार्य के लिए दी गई है, बाकी जमीन इस माह तक दे दी जाएगी, ताकि फोर लेन का कार्य 31 मार्च तक पूरा किया जा सके। वहीं इस मुद्दे पर फोर लेन निर्माता कंपनी के अधिकारियों से जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक केवल सड़क का कार्य पूरा होगा और करीब 9 माह के भीतर ब्रिज और रिटेनिंग वॉल्स का काम पूरा किया जाएगा। इसको कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, पहाड़ी रास्ता है, तो अगर फोर लेन अच्छी हो जाएगी तो ये है कि यहाँ पर पर्यटक भी अच्छा आएगा। जैसे हम लोग भी आए अभी, तो आज से 15 साल पहले हम लोग आए थे, तो शायद उतना अच्छा रास्ता नहीं था, तो आज अब ये लग रहा है कि हाँ, शायद आने वाले साल भर में अगर हम अगले साल आते हैं तो हमें बहुत अच्छी रोड मिलेगी, और हमें शायद जो टाइम लग रहा था आने में, अब उतना टाइम भी नहीं लगेगा। फोर लेन हो रहा है, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बीच बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी नज़र आ रही हैं, लेकिन हो जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, तो टूरिस्ट तो बढ़ेगा ही। सोलन अपने आप में एक अच्छी जगह है, शिमला को टच कर जाएगा, तो सारा ही कुछ अच्छा है। पहले दिल्ली वालों का जो मोस्ट रनिंग प्लेस है वो मंसूरी होता था, शिमला के लिए थोड़ा सोचते थे कि यार दूर पड़ रहा है, चलो मंसूरी चले जाते हैं। अभी क्या है कि हाँ, अब तो इक्विवेलेंट हो गया, वो हाईवे भी अच्छा है और ये हाईवे, तो फिर अपने आप जो मेन हर्डल है वो ख़त्म हो जाएगा, तो नेचुरली लोग बढ़ जाएंगे। नहीं, जैसे कछुआ चाल से इनका काम चला हुआ है, 31 मार्च तक ये कंप्लीट नहीं हो सकती है, और अभी ये लग नहीं रहा है, और इससे फोर लेन बनने से हिमाचल को जो पर्यटन से फ़ायदा होना था, उससे भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि जाम की समस्या से, रोड बंद होने की समस्या से पर्यटक नहीं आ रहे हैं हिमाचल के लिए। ऐसा है, जो खुदाई है वो पहाड़ की लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, और बहुत सी जगह में बहुत सी आबादियों को इससे नुकसान हुआ है, क्योंकि गलत ढंग से खुदाई की है, और या तो इनको पहाड़ में सड़कें बनाने का इस कंपनी को तजर्बा नहीं है कि पहाड़ में कैसे सड़कें बनेंगी, और कई जगह पहाड़ियों को इन्होंने काफ़ी ऊंचाई तक काट दिया है, और बिल्कुल इसको खड़े काट दिया है, जबकि ढलान में इसकी कटाई होनी चाहिए थी। अभी ये सड़क अगर ये कंपनी पूरा भी कर देती है इसका कार्य, तो उसके बाद भी आने वाली बरसात में अगर लिपा पोती करके जल्दबाजी में इसको काम को पूरा दिखा देते हैं, उसके बाद फिर बारिश होएगी और ये सड़क फिर खराब हो जाएगी। तो कंपनी है आगे से आगे खेते जा रहे हैं, या तो उनके पास पूरे संसाधन नहीं है उस तरीके की, उनके पास टेक्नोलॉजी या मशीनें नहीं है,
तो उन उस कंपनी के ऊपर दबाव होना चाहिए और बाउंड टाइम में सरकार की तरफ से होना चाहिए कि इसको बाउंड टाइम में करे, और अगर वो नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।